नमस्कार, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहार में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय बिहार में पर्यटकीय स्थलों के भ्रमण में कोई परेशानी नहीं होती है। मौसम घूमने के लिए बेहद ही अनुकूल होता है। सर्दियों का मौसम साल का ऐसा समय होता है कि इस दौरान आप घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घूमने के लिए खास तौर पर सर्दी के मौसम का इंतज़ार करते हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं और बिहार में ही ऐसे किसी पर्यटकीय स्थल की तलाश में हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको बिहार के ऐसे 7 डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे जो इस मौसम में पर्यटन के दृष्टिकोण से आपको आकर्षित करेगा। यह डेस्टिनेशन हमने सभी वर्ग के, जैसे बच्चे, युवा, बुजुर्ग और उनकी पसंद को देखते हुए चयन किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पर है बांका जिले में स्थित ओढ़नी डैम। यह डैम आजकल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पर्यटकों को यहाँ सस्ते में गोवा वाली फीलिंग आती है। डैम में सैर करने के लिए वाटर स्कूटर की व्यवस्था है। अगर आप न्यू मैरिड कपल हैं या फिर प्री वेडिंग शूट के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। ओढ़नी डैम से सटे पहाड़ इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। महादेव और पार्वती का मंदिर क्षेत्र की सुंदरता को और भी निखारता है। डैम के तीनों तरफ पहाड़ी जो हर पर्यटकों का मन मोह लेता है। वहीं गोवा की फीलिंग के लिए और वाटर बोट का लुफ्त उठाने के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये और हाफ राइड के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज है। वहीं जेट स्काइंग के लिए फुल राइड के लिए 500 और हाफ राइड के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये का चार्ज देना होगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर हम बात करेंगे कैमूर हिल्स की। इसे बिहार का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। पहाड़ियों से घिरी वादियाँ, जिधर देखो बस उधर हरियाली ही हरियाली। उसके बीच में सड़क से गुजरते आप, झरनों की गूंज, चट्टानों की शांति, लहराती हुई वनस्पतियाँ और वन्य जीवों के बीच जो आत्मिक आराम आप महसूस करेंगे, वो जरा सोचिए ये सब कुछ कितना मनमोहक होगा। अक्सर आप लोग प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने के लिए लेह लद्दाख के सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन ये मनोरम दृश्य का लुत्फ आप कैमूर की वादियों में उठा सकते हैं। इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष, संरक्षित किले, हिंदू देवी देवताओं के पौराणिक और रहस्यमय मंदिर, जिनमें से एक है अति प्राचीन माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, इस घाटी की लोकप्रियता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे शेर शाह के मकबरा की। अफगानिस्तान स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना शेर शाह का मकबरा अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अफगान वास्तुकला का शानदार नमूना होने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में इसे विश्व धरोहर की सूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। मकबरे के अंदर ऊंचाई पर बनी बड़ी बड़ी रोशनदानें इसे हवादार और रोशनी युक्त बनाते हैं। सभी खिड़कियों पर की गई बारीक नक्काशी पर्यटकों को उस समय की कारीगरी को दाद देने को मजबूर करती है। यह चीज़ें आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। अगर आप इतिहास को जानने के शौकीन हैं तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। नंबर 4 पर हम बात करेंगे महाबोधि विहार की। यह पावन स्थल दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस मंदिर का परिसर इतना भव्य है कि आप इसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह बिहार की वह पावन धरती है जहां तथागत भगवान बुद्ध ने मानव के दुखों के कारणों की तलाश की और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान स्थली पर महाबोधि मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध की सोने की चित्रित प्रतिमा है। पाल राजाओं द्वारा निर्मित काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा या पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जाता है। यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 3 पर हम बात करेंगे राजधानी पटना से 131 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्थित उमगा मंदिर की। यह वो मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार रातों रात पूर्व की दिशा से पश्चिम हो गया था। ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े चट्टानों के बीच चौकोर आकार के ग्रेनाइट ब्लॉक से निर्मित यह मंदिर की भव्यता देखते बनती है। मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टानों के बीच उगी हरी हरी छोटी छोटी झाड़ियाँ, पास में स्थित तालाब, जिसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से देखा जाए तो आंखों को सुकून मिलता है। अगर आप भी एडवेंचरस हैं,
पहाड़ों पर चढ़ना, प्रकृति से मिलना और बड़े बड़े चट्टानों से गुजरना पसंद है। साथ ही अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े तथ्य, रहस्य भरी कथाओं को पास से जानने, सुनने और समझने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको इन सभी चीज़ों का समामेलन देखने को मिलेगा। और आखिर में बचे वो दो स्थान हैं जिसके बारे में अगर इस वीडियो में जिक्र नहीं करते तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होती। नंबर दो पर हम बात करेंगे VTR की, यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। पर्यटकीय दृष्टिकोण से देखें तो यह बिहार का मोस्ट विजिट प्लेस में से एक है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। यहाँ जंगलों के मनोरम दृश्य और जीव जंतुओं की बोली आपका मन मोह लेगी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो भारत में हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। गंगा के मैदान जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भावर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसके कुल क्षेत्रफल के 85.71% भूभाग पर वनावरण विद्यमान है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, सुस्त भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ बेझिझक जा सकते हैं। सबसे आखिर और नंबर एक पर हम बात करेंगे राजगीर की। यह बिहार का वो पर्यटक स्थल है जहां सबसे अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। देसी ही नहीं बल्कि यहां विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं। राजगीर में घूमने के लिए बहुत कुछ है। रोपवे की सहायता से आप रत्नागिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर वहां से हरे भरे और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के विहंगम दृश्य का मजा ले सकते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन हैं तो आप यहां जा सकते हैं। आप यहां से घोड़ा कटोरा जा सकते हैं। यहां आप वोटिंग कर सकते हैं। फिलहाल ग्लास ब्रिज पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहां जाकर आप आनंद उठा सकते हैं। आप हमें कमेंट कर ये जरूर बताएं कि इन 7 पर्यटक स्थलों में आपको कौन सा पर्यटक स्थल सबसे बेहद पसंद आया, जहां आप इस सर्दी के मौसम में जाना पसंद करेंगे। तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इनमें से कई ऐसे स्थलों के बारे में हमने अपने बिहारी विहार के सेगमेंट में विस्तार से बताया है। अगर वो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य चेक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।